न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रबोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा डॉट कॉम। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा ज़िले के ओटू में और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं घग्गर की। ये ओटू हेड है जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बरसाती सीजन है वो शुरू होने वाला है और मानसून है वो भी इस महीने के लास्ट तक आ जाएगी, यानी कि एक सप्ताह का समय अभी बाकी है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये घग्गर नदी की है और आपने देखा होगा कि पिछले साल किस तरह से घग्गर नदी ने सिरसा ज़िले के दर्जनों गांव को अपनी चपेट में लिया। पूरी फसलें हैं वो बर्बाद हो गई और कुछ गांव में भी पानी घुस गया था, यानी कि बिल्कुल जो है लोगों ने पूरी तरह से इस बाढ़ का दंश है वो झेला। चाहे हम बात करें मुसावाला से लेकर के रंगा गाँव जो है वहाँ पे घग्गर टूटी, मुसावाला में टूटी, पनिहारी और इस तरह से बुड्ढा भाड़ा, नेजा डेला, सहारणी और जो तमाम जो गांव थे खैरेकां तक लेकर के फिर उसके बाद चामल, बंसुदार और तलवाड़ा खुर्द तक, यानी कि सिरसा ज़िले के दर्जनों ऐसे गांव थे जो बाढ़ की चपेट में आए और पूरी जो है फसलें हैं बर्बाद हो गई। लोगों ने रातों जा कर के घग्गर नदी पर ठिकरी पहरा दिया और जैसे तैसे इस समस्या से उन्होंने निपटा। आज मैं जो आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कि ताज़ा स्थिति है वो घग्गर नदी की क्या है। हालांकि अभी पानी नहीं है और चूंकि सीज़न है वो शुरू होने वाला है, बरसात है वो शुरू हो जाएगी और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार पिछले से ज़्यादा कहीं जो है बरसात है वो होने वाली है, यानी जो पिछले साल जो बरसात हुई उससे कहीं ज़्यादा बरसात है वो होने वाली है। उसको लेकर के अभी तक क्या प्रबंध है उसको लेकर के हम चर्चा करें। हालांकि घग्गर नदी है वो खाली है। ओटू वीर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे सिंचाई विभाग की ओर से दो ट्रैक्टर है वो नज़र आ रहे हैं जो ये जो यहां पे उगी हुई है, क्योंकि ये जैसे ही पानी आता है इसके साथ आती है केली जिसको बोलते हैं, तो ये अब पूरी तरह से सूख गई है। इसको निकालने का जो काम है वो ट्रैक्टर की ओर से किया जा रहा है, लेकिन एक खाना पूर्ति है वो उसको कह सकते हैं कि विभाग है वो लंबे चौड़े बिल है वो बना करके खाना पूर्ति वो कर रहा है। और यहाँ के इलाके के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि पहले भी पिछले साल भी घग्गर नदी जहाँ जहाँ से टूटी थी किसानों का ये कहना था कि अगर विभाग समय पर रहते हुए उन तटबंधों को मजबूत करता, मिट्टी डालता तो शायद घग्गर नदी ना टूटती, लेकिन इस बार भी वैसी ही लापरवाहियाँ हैं क्योंकि विभाग है वो पूरी तरह से लापरवाही बरत रहा है। घग्गर नदी पर मिट्टी है वो नहीं डाली जा रही। पिछले साल जहाँ जहाँ पर लीकेज हुई उन स्थिति क्या है वो भी हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको दिखा रहे हैं दी सड़कनामा डॉट कॉम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि घग्गर नदी पे इंतजाम क्या है, क्या व्यवस्थाएं हैं, विभाग क्या कर रहा है और यहाँ के जो इलाके के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, वो क्या कर रहे हैं। हमारे साथ एक किसान हैं फिरोजाबाद गाँव के। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम हरभगवान है जी। जी, तो अब क्या चल रहा है, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर, दो ट्रैक्टर हैं चल रहे हैं, क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पे? ये लिपा पोती हो रही जी। काम क्या हो रहा है? ये अच्छा लिपा पोती है। बिल्कुल लिपा पोती है जी। जी, तो पिछले साल जिस तरह से बाढ़ आई पूरा जो है लोगों ने दस झेला, जो है महीनों महीनों लोग है वो खड़े रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार क्या लग रहा है कि हालांकि बरसात है वो सामान्य से कहीं ज़्यादा, पिछले साल से कहीं ज़्यादा बताई जा रही है, जो मौसम विभाग है वो बता रहा है कि ज़्यादा बरसात होगी, इंतजाम कैसे हैं इस बार? फिलहाल तो हमें यहाँ देखने का कोई इंतजाम वाला चीज़ लगी नहीं है कि कोई प्रशासन अलर्ट हो जी। कि लगभग मेरे का एक हफ्ता रह गया जो मानसून का हरियाणा में आने वाली है, 30 के लगभग बोल रहे हैं आ जाएगी और बरसात भी सामान्य से 104% कोई हिसाब से बता रहे हैं भी ज़्यादा आ रही है। ठीक है जी, उस हिसाब से आप देख लो क्या कर रहे हैं। ये दूसरी बात, ये जो कलेली सूखी हुई है इसका कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जब भी ये पानी आएगा पानी के साथ ये बह के आगे निकल जाएगी। जो हरी है वो रुकती है यहाँ पे, उसकी तरफ कोई ख्याल नहीं है। डाफ लगती है जिसकी, वो हरी के लेली कलेली से लगती है, सूखी से कभी नहीं लगती जी। तो विभाग अब सूखी को एक साइड क्यों कर रहा है? बस ये तो क्या बताएं, ये सब भ्रष्टाचार है। अच्छा। खाने का सिस्टम है, अब दो ट्रैक्टर लगे हुए हैं और ट्रैक्टर भी वो लगे हैं जो सबसे छोटी कंपनी के हैं जी। अगर एक ट्रैक्टर रुक जाए तो उसको निकालने के लिए चार और लाने पड़ेंगे। अच्छा।
काम वाम का कुछ भी नहीं है, बस लिपा पोती हो रही है जो भी कुछ हो रहा है। यानी कि कगर की खुदाई है वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई एक कगर की खुदाई छोड़िए, ये जो लेफ्ट राइट दो नीचे वाली बांध है ना जी, पिछली बार जब फ्लड आया था तो जहाँ पे कमजोर बांध थे वहाँ पे किसानों ने अपने पैसा लगा के एक साइड पे उसके मजबूत कर ली, यानी ओटू से आगे, ओटू से नीचे जी। और वो अब 10-11 महीने हो गए हैं, प्रशासन ने आके उनको देखा ही नहीं भी यहाँ पे किस कमजोर है, वहाँ पे इनका क्या कुछ कर रहे हैं, जैसे के तैसे न्यू के न्यू पड़े हैं। आप अभी जाके देख सकते हो, 10 महीने बीत गए हैं, सरकार का ना लेफ्ट वाले और ना राइट किसी साइड पे कोई ध्यान ही नहीं है, बांध के ऊपर ऊपर कुछ हुआ है नहीं हुआ, ऊपर तो चलो दोनों साइड जो रिंग बांध है वो पक्के बने हुए हैं, ऊपर की समस्या से कम है, नीचे दोनों कच्चे हैं, और करी वाला से आगे जो अपना राजकनाल नहर है वहाँ तक यही हालात है, एक रुपए का काम नहीं हुआ, साइफन तक ऐसा ही है, साइफन तक कैसा हाल है जी। धन्यवाद। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से ये पोल खोलती हुई रिपोर्ट है कि विभाग है वो अभी लिपा पोती करने में जुटा हुआ है, आइसर कंपनी के 2 ट्रैक्टर लगाए हुए हैं लेकिन वो भी जो है खाना पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन खास बात ये है कि जो किसान ये कह रहे हैं कि ओटू से आगे करीब 20 गाँव पड़ते हैं ओटू से आगे और करीवाला तक, जहाँ पे राजस्थान का साइफन बना हुआ है जिसकी रिपोर्ट हमने पिछले साल आपको दिखाई थी, और इस बार भी हालात वैसे की हैं, बरसात है वो सामान्य से कहीं ज़्यादा होने वाली है, लेकिन विभाग के पास अभी इंतजाम नहीं है, विभाग अभी भी लिपा पोती करने में जुटा हुआ है। और ओटूवियर से आगे जो गांव पड़ते हैं वहाँ पर जो दोनों साइड के जो बांध हैं वो कच्चे हैं, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि ये कच्चे बांध हैं जहाँ पर लोगों ने अपनी मिट्टी डाल करके उनको मजबूत किया, और इस बार भी वैसी स्थिति है, अगर बरसात आती है अगर ज़्यादा पानी आ जाता है तो फिर हालात है वो ख़राब हो सकते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं इस रिपोर्ट में अभी घग्गर है वो पूरी तरह से खाली है, लेकिन यहाँ के जो किसान कह रहे हैं कि विभाग है वो लिपा पोती कर रहा है जिसका खामियाजा आने वाले समय में किसानों को भुगतना पड़ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि पिछले साल भी हमने घग्गर में जिस तरह की परिस्थितियां थी वो भी हमने पहले आपको दिखाई थी, विभाग को भी चेताया था कि विभाग है वो मिट्टी डाले समय पर रहते हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और घग्गर आई, नदियाँ टूट गई और कई कई गाँव की जो फसलें हैं वो बर्बाद हुई, लोग हैं वो भी बेघर हुए, और ख़ास करके पनिहारी, बुर्ज करमगढ़, मुसावाला, उन गाँव के लोगों ने भी वो है दंश झेला और अभी तक जो है वो इसकी मार झेल रहे हैं। लेकिन अब फिर से जो है स्थिति वही की वही आने को है, क्योंकि कभी भी ये कह सकते हैं क्योंकि मानसून जब हरियाणा में आएगा बरसात की स्थिति होगी तो फिर जो है वैसी ही स्थिति बन जाएगी जो पिछले साल आपने देखा, और हमने आपको दिखाया था पिछले साल कि तमाम जो रिपोर्ट है आपको हर दिन हर रोज़ जहाँ जहाँ पर घग्गर की स्थिति थी, लेकिन इस बार हम आपको फिर दिखा रहे हैं कि विभाग है वो लापरवाही बरत रहा है, तटबंध है वो कमज़ोर हैं, उनको मजबूत नहीं किया जा रहा, तैयारियाँ नहीं चल रही हैं, घग्गर की सफाई नहीं हुई है, मिट्टी का जो खुदाई होनी थी वो नहीं हुई है, और सिर्फ केलियों को जो सूखी केली है उसको निकालने के लिए लिपा पोती की जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।